थिंक बहुत ही सिंपल सा गेम है, ये 30 MB के अंदर प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। चलो हम इसे खेल के बताता हूँ। लेट्स बिगिन पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट हो। यहाँ पे एक लोगो है, आपको उस लोगो को पहचान कर नीचे टाइप करना है। अगर आंसर सही होगा तो ग्रीन टिक हो जाएगा। ऐसे ही आगे आपके लेवल बढ़ते रहेंगे और आपको आगे तक इसे खेलना है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, आगे इसमें और सारे चैप्टर्स आएंगे, जैसे राइम्स के और मूवीज़ के आपको इसे पहचानने पड़ेंगे। और यहाँ पर हिंट का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक कर आप हिंट ले सकते हैं। तो आपको ऐसे ही इसे खेलना है, ये बहुत ही अच्छा सा गेम है, ट्राई करें। इस गेम का नाम है लूप। प्ले बटन दबाएंगे तो स्टार्ट होगा। इसमें आपको लूप्स बनाने हैं और थोड़ी हिंट यहाँ पर दी है हमें, जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं उस पर ये लूप बन रहे हैं, दो लूप बने। और इसमें देखिए आप, जैसे लेवल्स आते रहेंगे थोड़े टफ होते जाएंगे। और ये बहुत ही कम MB का गेम है, 4 MB में शायद प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल है। ऐसे ही आगे लेवल्स आते रहेंगे, इसमें 4 लूप्स बन रहे हैं, आपको इसे खेलना है। बहुत ही टाइम ब्रेकिंग गेम है और एडिक्टिव गेम है। येलो, जी हाँ येलो बहुत ही अच्छा सा गेम है, जिसमें होता क्या है, पीछे की स्क्रीन या फिर थोड़ा एरिया ब्लैक भी होता है, आपको येलो करना है। इसमें हिट भी दी होती है थोड़ी, जैसे कि यहाँ पे हम टैप करेंगे तो ये पूरा येलो हो गया। जैसे ही आगे के लेवल्स में आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके उसके हिट को पहचान का आपको पूरी स्क्रीन येलो करनी है, आगे के लेवल्स इसे खुलती जाएंगी। कलर स्विच बहुत अच्छा सा गेम है और ये 50 MB के अंदर प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्ले बटन दबाएंगे तो ये स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे एक पिंक बॉल है, आपको स्क्रीन टच करनी है तो ये बॉल बाउंस होगी। जिस कलर की बॉल है उस कलर के लूप में से इसे आपको बाहर निकालना है। इसे स्टार्स कलेक्ट करने और आपके पॉइंट्स बढ़ाने। ये एंडलेस गेम है और इसमें बहुत सारे गेम्स मोड भी दिए, जिससे आप जल्दी बोर नहीं होंगे। ये गेम्स मोड खेलकर आप अपनी चीज़ें अनलॉक कर सकते हो और नए नए तरीके के बॉल खरीद सकते हैं। इसे भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा सा गेम। टनल ट्रबल 3D, ये बहुत ही अच्छा सा गेम है। ये आपके 3 मोड्स मिलेंगे सर्वाइवल, आपको खेल के बताता हूँ। आपके राइट साइड के बॉटम में जो जॉयस्टिक है उससे आपका रॉकेट कंट्रोल होगा, इसी स्टार्ट होगा। आपको जॉयस्टिक से रॉकेट को कंट्रोल करना है। ये आपके जैसे आगे बढ़ेगा आपके पॉइंट्स बढ़ाएगा और ये स्पीड इसकी रॉकेट की तेज़ होती जाएगी। वॉल्स में जितने भी होल हैं उससे आपको पास थ्रू करना है और ऐसे ही आपकी रॉकेट की स्पीड बढ़ती जाएगी, इससे आपका फोकस लेवल बढ़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा सा और सिंपल सा गेम है।